फौजीनंद की रेलवे स्टेशन पर तीन भूखी भाबियां। बड़ी खुशी के साथ नीरू स्कूल से अपने घर आती है। तभी अपनी ननद के चेहरे पर छाई हुई खुशियों को देखकर प्रिया पूछती है, बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी ननद। मगर प्रिया भाभी, आप ये बधाई मुझे किस खुशी में दे रही हैं? मेरी प्यारी ननद ने पूरे स्कूल में टॉप जो किया है तो बधाई देना तो बनता है। मगर भाभी, आपको कैसे पता? मैंने तो आपको बताया भी नहीं। नीरू की इस बात पर उसकी दूसरी भाभी चांदनी उसे कहती है, नीरू हम तुम्हारी भाभी हैं। पता है, जब हम तीनों शादी करके इस घर में आई थी तो तुम सिर्फ 10 साल की थी, एकदम परी के जैसी। इसलिए हम तीनों को तुम्हारे हर गम और खुशियों का एहसास है, क्योंकि तुम हम तीनों भाभियों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा हो। इतने में नीरू की तीसरी भाभी गौरी खीर खिलाकर अपनी ननद का मुंह मीठा कराती है। कैसी लगी खीर? बहुत ही बढ़िया भाभी। भाभी आप जानती है ना कि ये खोए की खीर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए आपने ये मेरे लिए बनाई है ना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली तीन तीन भाभियां मिली हैं। ऐसा कहते हुए नीरू की आंखें नम हो जाती हैं। तभी गायत्री कहती है, नीरू बेटी, मुझे तुझसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, और आज खुशियों भरा मौका सबसे अच्छा है। बेटी, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है, उस घर में शादी करके तू बहुत खुश रहेगी। मगर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ और फौजी बनना चाहती हूँ। देख मेरी बच्ची, हमारी हैसियत उतनी नहीं है कि हम तुझे फौजी बना सके, और हम गरीबों के घर ऐसे अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ये माँ तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करती है कि तू शादी करके अपना घर बसा ले। अपनी माँ की इस बात को सुनकर नीरू उदास मन से कमरे में चली जाती है। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, और अपनी ननद का मुरझाया हुआ उदास चेहरा देखकर उसकी भाभियां अपनी सास गायत्री से कहती हैं, माँ जी, हम तीनों आपके आगे हाथ जोड़ती हैं, हो जाने दीजिए ना नंद जी के फौजी बनने के सपने को पूरा। और माँ जी, रिश्तों का क्या है, जब एक बार हमारी ननद फौजी बन जाएगी तो अच्छे से अच्छे घरों के रिश्ते खुद चलकर हमारी ननद का हाथ मांगने आएंगे। मगर बहू, नीरू की पढ़ाई के लिए कहां से लाएंगे हम इतने पैसे? माँ जी, हम है ना, हमारे बाबूजी ने शादी के वक्त हमें जो गहने दिए थे वो बेचकर हम अपनी ननद का फौजी बनने का सपना पूरा करेंगे। अपनी ननद के फौजी बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसकी तीनों भाभियां अपने गहने गिरवी रख देती हैं, और नीरू का आर्मी इंजीनियरिंग में एडमिशन करा देती हैं। और गुजरते समय के साथ नीरू का फौज से ट्रेनिंग का लेटर आ जाता है, और तीनों भाभियां आंसू भरी आंखों के साथ अपनी ननद को विदाई देती हैं। नीरू, वहां पर अपना ख्याल रखना, और जब भी तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत पड़े तो अपनी भाभियों को बता देना, हम तुम्हें पैसे भेज देंगे। जी भाभी। फिर नीरू फौज में जाकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। राजीव भैया, यह हम तीनों भाइयों के लिए कितने गर्व की बात है कि हमारी बहन फौजी बनने के लिए गई हुई है। हाँ, मगर ये भी सच है कि हमारी बहन को फौजी बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो हमारी पत्नियों का है। गायत्री देवी का सबसे बड़ा बेटा राजीव रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर सड़कों पर भूखे प्यासे रिक्शा चलाता था, वहीं उसके दोनों भाई एक कारखाने में बहुत ही कम तनख्वाह पर काम करते थे। मगर कहते हैं ना कि दुख कभी बताकर नहीं आता। उस रोज जब प्रिया और चांदनी के पति काम करने के लिए गए हुए थे, कारखाने में आग लगने के कारण उनके पति जलकर मर जाते हैं। इस बात से राजीव को बहुत बड़ा सदमा लगता है। इसके बाद वह पैरालाइज हो जाता है, जिस कारण अब उनके घर में दाने दाने पर आफत छा जाती है और उनकी जिंदगी गरीबी में गुजरने लगती है। ऐसे में नीरू का खत आता है। नमस्ते भाभी, मैं यहाँ पर ठीक से हूँ, मेरी ट्रेनिंग बस खत्म होने वाली है, मगर आर्मी ज्वाइनिंग से पहले एक आखिरी बार कुछ पैसों की जरूरत है, उम्मीद है आप मुझे पैसे भेज देंगी, आपकी ननद नीरू। हमारे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं कि हम अपनी ननद को भेज सके, अब एक ही रास्ता बच गया है कि हमें इस घर को बेचना होगा। मगर इस घर की एक एक ईंट हमारे पतियों ने अपने हाथों से बनाई है, और इस घर में हम बहू बनकर आई थी, इस घर से कितनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। मैं जानती हूँ प्रिया, मगर ये सब हम अपनी ननद के भविष्य और उसके सपने के लिए कर रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी ननद फौजी बने? आखिरकार तीनों भाभियां उस घर को बेचकर अपनी ननद को पैसे भेजती हैं।
जिसके लिए उन्हें खुद बेघर होना पड़ता है और फिर वो रेलवे स्टेशन की गंदगी में रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरू फौजी बन जाती है और वहीं गरीबी के चलते उसकी भाभी और उसका पूरा परिवार भूखे रहने को मजबूर हो जाता है। गौरी, चांदनी, अब हम तीनों को कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। अब हम कब तक यूं भूखे रहेंगे? मगर बिना पैसों के हम तीनों करेंगे भी तो क्या? ऐसा कहते हुए गरीब गौरी की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर जाती है जो कि एक ठेले पर मुसाफिरों का सामान ढो रहा होता है। ये देखकर गौरी और चांदनी भी रेलवे स्टेशन पर आकर लोगों का सामान ढोने लगती हैं। इसके बदले में उन्हें 10-20 रुपए मिलते हैं और उससे वो अपनी सास के लिए खाना लाकर उसे खिला देती हैं, मगर खुद भूखी रह जाती हैं। और गुजरते कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तीनों गर्भवती हैं। माँ जी, बहुत जल्द आप दादी बनने वाली हैं। जुग जुग जियो मेरी बहुओं, दूधो नहाओ पूतो फलो। आज ऊपर वाले ने कितने बड़े वक्त के बाद हम गरीबों की झोपड़ी में कोई अच्छी खबर भेजी है। काश कि हम तीनों अपनी नंद को भी बता सकते कि वो बुआ बनने वाली है। ऐसा कहते हुए तीनों गरीब भाभी अपनी ननद के दूर जाने के एहसास से भर जाती हैं। वक्त बीतता है मगर गर्भावस्था में भी गरीबी के चलते उन्हें खाने पीने को रूखा सूखा भी नसीब नहीं होता। वहीं नीरू अपने घर लौटने की तैयारी कर रही होती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैप्टन नीरू, आओ ना। सर, मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। इस 15 अगस्त पर मैं अपनी भाभियों और अपने परिवार से मिलने घर जाना चाहती हूँ। आज अगर मैं फौजी बनकर आपके सामने खड़ी हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी भाभियों के कारण। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। ऑफिसर नीरू, आप जा सकती हैं। नीरू अपने तीनों भाभियों के लिए घर लौटते वक्त बहुत ही सुंदर साड़ियाँ, चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान खरीद कर लाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरू की तीनों गरीब भाभियाँ भूख भरी नजरों से इस मकसद से स्टेशन पर आती हैं कि शायद उन्हें कोई काम मिल जाए, मगर स्टेशन मास्टर उनके फटे चिटे गंदे कपड़े देखकर उन्हें वहां से भगाने लगता है। अरे गरीब औरतें, ये रेलवे स्टेशन क्या तुम्हें फुटपाथ नजर आ रहा है जो इधर से उधर मटर कश्ती मार रही हो? चल भागो यहाँ से गरीब भिखारन कहीं की। साहब, यहाँ पर काम करने आई हैं हम, बहुत भूखी हैं। हम तीनों पर तरस खाइए, हमें यहाँ से मत भगाइए। हम माँ बनने वाली हैं और हम बस यहाँ मेहनत करने के लिए आई हैं ताकि अपना पेट भर सके। ऐसा कहते हुए बेचारी गरीब भूखी बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी स्टेशन मास्टर उनकी गरीबी की बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम तीनों को काम चाहिए ना, तो ठीक है, इस पूरे रेलवे स्टेशन पर ये जो गंदगी मची हुई है इसे अच्छे तरीके से साफ कर दो, और ये जो जगह जगह लोगों ने थूक रखा है तुम्हें ये भी साफ करना होगा, तभी मिलेंगे पैसे। पेट की आग बुझाने के लिए बेचारी तीनों गरीब बहुएं उस काम के लिए भी मान जाती हैं और आंखों में आंसू लिए 15 अगस्त के उस खुशियों भरे दिन में भी कई दिनों की भूखी प्यासी होकर पूरे रेलवे स्टेशन की सफाई करने लगती हैं। तभी पठानकोट नाम की एक ट्रेन भरतपुर के स्टेशन पर आकर रुक जाती है और नीरू अपना सामान लेकर भरतपुर के उस स्टेशन पर उतरती है। तभी वह अपनी तीनों भाभियों को इस तरह से रेलवे स्टेशन की सफाई करता देखकर हैरान हो जाती है और आंखों में आंसू लेकर उनके पास आती है। प्रिया भाभी, गौरी भाभी, चांदनी भाभी, ये सब क्या है? आप तीनों ने ये कैसी हालत बना रखी है? आप तीनों मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? अपनी फौजी नंद के पूछने पर तीनों गरीब भाभियां फूट फूट कर रोते हुए उसे सारी बात बताती हैं। मेरे जाने के बाद मेरी माँ जैसी भाभियों पर इतना कुछ बीता और मैं उन बुरे हालातों में आप सभी के साथ नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। नीरू, अगर हम तुम्हें ये सब बता देते तो तुम अपना फौजी बनने का सपना अधूरा छोड़कर हमारे लिए आ जाती और ऐसा तुम्हारी भाभी हरगिज नहीं चाहती थी। फिर नीरू अपने पूरे परिवार को रेलवे स्टेशन से ले जाकर उनके रहने के लिए घर खरीदती है और 15 अगस्त के दुख भरे दिन को अपनी भाभियों के हिस्से में खुशियों से भरकर ननद होने का फर्ज निभाती है। मोहन और ज्योति के लिए आज बहुत खुशी का दिन होता है क्योंकि आज मोहन और ज्योति एक दूसरे से मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। मंदिर में शादी करने का कारण मोहन का परिवार होता है। मोहन एक बड़े परिवार का बेटा होता है और काफी अमीर भी होता है, लेकिन वहीं ज्योति एक गरीब परिवार से होती है। गरीब होने के साथ साथ ज्योति दिखने में भी काफी काली होती है। मोहन को पता था
कि उसकी फैमिली कभी भी ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मोहन ज्योति एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मोहन ज्योति को अपने घर लेकर जाता है। मोहन, ये लड़की कौन है और तू उसके साथ ये शादी के जोड़े में क्या कर रहा है? माँ, इसका नाम ज्योति है। मैं और ज्योति एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने आज मंदिर में एक दूसरे के साथ साथ फेरे ले लिए हैं। ज्योति एक गरीब परिवार से है। ज्योति के गरीब होने की वजह से आप मुझे कभी भी उससे शादी करने नहीं देती, इसलिए मैंने ज्योति से मंदिर में शादी कर ली। क्या? एक तो तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वो भी इस गरीब से। ऊपर से इसका रंग भी इतना काला है। एक काली और गरीब लड़की मेरे घर की बहू कैसे हो सकती है? अगर आपको मेरा और ज्योति का रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और ज्योति ये घर छोड़ देते हैं। आपको आपकी शानो शौकत और इज्जत मुबारक हो। इतना कहकर मोहन ज्योति का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर जाने लगता है कि तभी मंजरी मोहन को रोक लेती है। मोहन बेटा, रुक जा, तू इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तेरी और ज्योति की शादी मंजूर है। मेरे लिए तुझसे और तेरी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जा अंदर जाकर पूजा की थाली लेकर आ, मुझे इन दोनों का स्वागत करना है। मंजरी के कहने पर भूमि अंदर जाती है और पूजा की थाली तैयार करके ले आती है। मंजरी ज्योति और मोहन की आरती उतारती है और भूमि मंजरी की बड़ी बहू होती है, जो देखने में काफी सुंदर और अमीर घर से होती है। शुरू से ही भूमि अपनी बहन रिया को अपने देवर मोहन के साथ शादी करवाना चाहती थी। मोहन को एक काली और गरीब लड़की से शादी करता देख भूमि को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्योति से चिढ़ने लगती है। भूमि को अपनी अमीरी का भी बहुत ज्यादा घमंड होता है, इसलिए अब वो ज्योति को परेशान करने का और घर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढने लगती है। मंजरी को ज्योति अभी भी पूरी तरह से मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मंजरी ज्योति को अपनी बहू मान लेती है। ज्योति बहू, आज तेरी पहली रसोई है। अब मैंने यहाँ सारा सामान रख दिया है, अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या तेरी भाभी को आवाज दे दियो। मंजरी ज्योति को पहली रसोई की रस्म के बारे में बताकर चली जाती है, जिसके बाद ज्योति अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। ज्योति को खाना बनाता देख भूमि चुपके से देख रही होती है। जैसे ही ज्योति खाना बनाकर बाहर रख जाती है तो भूमि चुपके से आकर ज्योति के बनाए हुए खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। अब मैं देखती हूँ कि कौन तेरे हाथ का नमक वाला खाना खाता है। देखना, तुझे अगर इस घर से मैंने निकालना दिया ना तो मेरा नाम भी भूमि नहीं। इतना कहकर भूमि वहां से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति जल्दी से अपने बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ज्योति की सास जैसे ही पहला निवाला खाती है तो उसे खाते ही थूक देती है। तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी? इतना नमक कौन डालता है खाने में? मेरी तो पूरी जुबान ही कड़वी हो गई। इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, ना ही तो शक्ल अच्छी है और ना ही कुछ काम आता है, भला खाने में इतना नमक कौन डालता है? अगर देवर जी की शादी मेरी बहन रिया से हो जाती तो हमें रोज रोज नए और टेस्टी डिश खाने को मिलती। माँ जी, लेकिन मैंने तो सब्जी बनाने के बाद सब्जी टेस्ट की थी, तब तो नमक सही था। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि किसी ने तुम्हारी सब्जी में चुपके से नमक डाल दिया? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। अब बस करो तुम दोनों। ज्योति बहू, आइंदा ध्यान रखना, खाने में नमक डालने के टाइम उसे अच्छे से चेक कर लेना। भूमि ने सोचा था कि मंजरी ज्योति को इस बात पर बहुत सुनाएगी, लेकिन मंजरी ने ज्योति से ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिस वजह से भूमि अब ज्योति से और चिढ़ने लगती है। अब भूमि हमेशा ज्योति के किए हुए सारे कामों को बिगाड़ देती है और सारा इल्जाम ज्योति पर लगा देती है, जिससे मंजरी को ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। ज्योति, आज तो तूने हद ही कर दी। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी पर ये रंग लगा दिया। अगर कपड़े धोना आता नहीं था तो बोल देती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने तो आपकी ये साड़ी बहुत संभाल कर धोई थी ताकि उसके ऊपर कोई दाग ना लगे। अब मुझे नहीं पता कि ये दाग इसके ऊपर कहाँ से आया। मंजरी गुस्से में ज्योति पर हाथ उठा देती है और दूर खड़ी भूमि इस चीज के मजे लेती है कि तभी वहाँ मोहन आ जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ? कोई अपनी बहू पर हाथ उठाता है क्या? मैंने गलती करी, शादी के बाद मैं ज्योति को इस घर में ले आया। मेरे पीठ पीछे न जाने आप ज्योति के साथ क्या क्या करते होंगे, जब आप मेरे घर पर न होने पर मेरी पत्नी पर हाथ उठा रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ जी से? वो आपकी माँ है, उनका हक है। अगर मैं गलती करूँ तो मुझे डांटे। लेकिन ज्योति। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलिए आप।
इतना कहकर ज्योति मोहन को वहां से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मोहन अपनी कंपनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल अपने घर पर लेकर आता है और अपनी माँ को संभालने के लिए देता है। मंजरी उस फाइल को ज्योति को दे देती है। ज्योति, ये मोहन की इंपॉर्टेंट फाइल है, उसने मुझे संभाल कर रखने के लिए कहा है। मैं तो इधर उधर रख कर भूल जाऊंगी, इसलिए तू इसे संभाल कर रख। ठीक है माँ जी। भूमि मंजरी और ज्योति की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो चुपके से जाकर उस फाइल को चुरा लेती है। मोहन के कहने पर ज्योति उस फाइल को लेने जाती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती, जिसे सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ज्योति पर हाथ उठा देता है। तुम जानती भी थी कि वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी मेरे लिए, तुमसे एक फाइल भी संभाल कर नहीं रखी गई। इतना कहकर मोहन गुस्से में चला जाता है और बेचारी ज्योति रोती रह जाती है। ये सब देखकर भूमि को बहुत खुशी होती है। गुस्से से मोहन खाना भी नहीं खाता है और भूखा ही सो जाता है। खाली पेट सोने की वजह से मोहन की रात में आंख खुल जाती है, जिस वजह से वो नीचे किचन में कुछ खाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही मोहन नीचे जाता है तो उसे अपनी माँ और भाभी बात करते हुए दिखाई देते हैं। माँ जी, अलमारी से फाइल मैंने ही गायब की थी। आप खुद जानती हैं कि ज्योति इस घर के लिए परफेक्ट बहू नहीं है, और वो तो घर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं संभालती है। मैं तो कह रही हूँ कि आप ज्योति को इस घर से निकाल दो और मोहन की शादी मेरी बहन रिया से करवा दो। भूमि की बात सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। मोहन की चिल्लाने की आवाज सुनकर ज्योति भी नीचे आ जाती है। ये सब आपका किया धरा है और मैं अपनी पत्नी को इस चीज का कसूरवार समझ रहा था। एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। यहाँ से चलो, अब हम घर में कभी वापस नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ जी को अकेले छोड़कर जाएंगे तो उनका क्या होगा? और भूमि भाभी आपकी भी भाभी हैं, वो आपसे बड़ी हैं, आप उनको ऐसा नहीं कह सकते हैं। ज्योति की बात सुनकर मंजरी और भूमि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ज्योति से माफी मांगती हैं। ज्योति बहू, मुझे नहीं पता था कि ये सब भूमि बहू कर रही है, मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में तेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। ज्योति, मुझे भी माफ कर दो, अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। ज्योति मंजरी और भूमि की बात सुनकर उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी और प्यार से रहते हैं।